24 फरवरी को हुए प्रयाग कांड के बाद से असद और गुलाम समेत 5 शूटर्स की तलाश में पुलिस खाक छान रही थी, लेकिन 48 दिनों बाद मुठभेड़ में अतीक का बेटा और शूटर गुलाम मारा गया। पुलिस दोनों तक कैसे पहुंची ये भी जानना जरूरी है। जिस पारीछा बांध के पास एनकाउंटर हुआ है वो जगह झांसी मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस ऑपरेशन को यूपी एसटीएफ ने अंजाम दिया। इसमें 2 डिप्टी एसपी और 2 इंस्पेक्टर शामिल थे। एसटीएफ 48 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी। दरअसल 24 फरवरी को मेशपाल हत्याकांड के बाद असद और गुलाम बाइक पर बैठकर कानपुर पहुंचे। कानपुर से बस में बैठकर असद और गुलाम नोएडा डीएनडी पहुंचे। नोएडा के बाद दोनों ऑटो से दिल्ली के संगम विहार पहुंचे थे। दिल्ली के संगम विहार में असद और गुलाम 15 दिन रुके थे। दिल्ली से असद और गुलाम अजमेर गए। अजमेर में भी असद और गुलाम कुछ दिन रुके थे और अजमेर से दोनों झांसी पहुंचे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक पुलिस वारंट भी लेकर साबरमती और बरेली से अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाई थी। पुलिस के पास से इनपुट थी कि रास्ते में काफिला पर हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है और इसे देखते हुए स्पेशल फोर्सेस लगाई गई थी। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे या स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्स तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। फिलहाल असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद प्रयागराज में सतर्कता बढ़ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखी जा रही है। असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से लगातार उमेश का परिवार यूपी सरकार से अतीक अशरफ और हत्याकांड में शामिल शूटर्स के एनकाउंटर की मांग कर रहा था, लेकिन अतीक के बेटे और उसके साथी की मुठभेड़ में मौत की खबर मिलते ही उमेश पाल की मां और पत्नी ने 48 दिन बाद राहत की सांस ली है। मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि योगी जी ने अपना काम करके दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। 24 फरवरी को उमेश पाल पर अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों ने कोर्ट से लौटने के बाद घर के बाहर असलहों और बम से हमला कर दिया। हमले के दौरान असद ने ही गली में दौड़कर उमेश पाल को उनके घर के बाहर गोली मार दी थी और हमले के दौरान बम मार रहे आरोपी गुड्डू मुस्लिम के बम से उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात सिपाही की जान चली गई थी। लेकिन असद और गुलाम के एनकाउंटर को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर के बहाने सरकार पर हमला बोल दिया। माफिया के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की खबर सामने आते ही सबसे पहले सपा के अधिकृत प्रवक्ता आमिक जामी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि एनकाउंटर न्याय नहीं है। इसके बाद खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एनकाउंटर ही नहीं बल्कि सरकार पर भी ये लिखते हुए सवाल उठा दिए कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के वह हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख कर सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। इस एनकाउंटर पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं और असद एनकाउंटर को मजहब से जोड़ दिया। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। लेकिन भाजपा ने पलटवार करते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।